तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर में ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के लिए जो वोटिंग की प्रक्रिया थी वो अब संपन्न हो चुकी है, और उसी के साथ साथ अगर जिला सांबा की बात कर लें तो जिला सांबा के जो आंकड़े हैं वो एक बेहतरीन आंकड़े सामने आया है वोटिंग के। मैं यानी अगर आपको पोल परसेंटेज आपको बताऊं तो एक जबरदस्त पोल परसेंटेज सामने आया है 1 बजे तक का, क्योंकि जो निर्धारित किया गया था समय इस वोटिंग के लिए 9 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक, तो आंकड़े हमारे हाथ में आ चुके हैं और मैं आपको अब वो आंकड़े अपडेट करूंगा। 893 वोटर थे टोटल जो सरपंच पंच से, और उसमें से 899 वोट पड़े हैं, यानी 889 वोट जो है वो कास्ट किए गए हैं, और सांबा जिला के 9 ब्लॉक्स हैं और 9 के 9 ब्लॉक्स के आंकड़े जो है अब मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले सांबा ब्लॉक की बात करें तो जिसमें 112 वोटर थे और उसमें से 110 जो है वोट पोल हुए हैं। वहीं अगर सुम ब्लॉक की बात करें तो 70 में से 70 वोट वहां पर कास्ट हुए हैं, और उसी के साथ साथ नट ब्लॉक की बात करें तो 86 में से 85 वोट कास्ट हुए हैं। गगवाल ब्लॉक में 88 में से 88 हुए हैं। राजपुरा में 68 में से 68 और विजयपुर में 141-142 में से कास्ट हुए हैं। वहीं अगर रामगढ़ की बात करें तो 161 में से 161 और बड़ी ब्राह्मणा में भी 110 में से 110 वोट जो है वो कास्ट हुए हैं, और वहीं पुरमंडल में 56 में से 56 वोट जो है कास्ट हुए हैं। तो अगर इनका पोल परसेंटेज आपको बताएं तो 99.5% पोल परसेंटेज जो है वो सामने आया है, क्योंकि एक बड़े जबरदस्त उत्साह के साथ जो सरपंच पंच है उन्होंने इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन में हिस्सा लिया। और सबसे जब हमने जेके मीडिया के माध्यम से आपको पल पल की जानकारी दी कि क्या कहना है सरपंच पंच इसका इलेक्शन को लेके, तो सबने कहा था कि ये इलेक्शन बहुत जरूरी है और वो उत्साह के साथ इस इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और रिजल्ट आपके सामने है। 1 बजे तक जो निर्धारित किया गया था समय और उसमें 893 वोटर पूरे जिला सांबा के 9 ब्लॉक्स की बात करें तो 893 में से 899 वोट जो है वो पड़े हैं, यानी एक जबरदस्त पोल बम्पर पोलिंग जो है यहां पर देखने को मिली है इन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों के लिए। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर डीके मनियाल जी जुड़े हैं, इनसे जानेंगे कि ये जो पोल परसेंटेज सामने निकल कर आया है इस पर क्या वो स्टेटमेंट देना चाहते हैं। सर, एक बढ़िया पोल परसेंटेज सामने आया है, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक की जो वोटिंग होनी थी और उसके बाद आंकड़ों का वेट किया जा रहा था, आंकड़े आपके सामने हैं, क्या कहना चाहते हैं? 99.5% पोलिंग है पूरे जिला सांबा के 9 ब्लॉक्स में, क्या कहोगे इसमें? देखिए ऋषि, सुबह भी जब हमने बात की तो मैंने आपको ये बात साहब से कही थी कि 370 धारा के हटाने पर जो लोगों को भ्रमित किया जा रहा था कि सर इसका नुकसान हुआ है, लोग खिलाफ हो गए हैं, तो ये एक मैं समझता हूँ सुबह जब मैंने कहा आपको कि एक तकरार तमाचा है उन लोगों के एक गाल के ऊपर, और एक जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, पंच हैं, सरपंच हैं, उन्होंने भी अपना अपनी तरफ से ये वोटिंग परसेंटेज जो है इसको लगभग 100% करके जवाब दिया है। एक दो जो हमारे पंच सरपंच नहीं आ सके वो सीरियस हेल्थ इशू थे जिनकी वजह से वो लोग नहीं आ सके, अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट 100% पोलिंग हुई है। और सांबा नर्ड प्रमंडल और सुम्ब का अगर मैं बात करूं जो सांबा कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाके हैं यहाँ लगभग हमारा 100% पोलिंग है। दो जो पंच सरपंच जिनका सीरियस हेल्थ इशू है उसकी वजह से वो नहीं आ सके, ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जो एक पहल थी और अमित शाह जी की पहल थी, हिस्टोरिकली BDC के इलेक्शन पहली बार यहाँ हुए हैं 70 साल में, और उसके साथ जुड़ती हुई बात यह है कि पहली बार रिजर्वेशन रही है BDC इलेक्शन में, यहाँ पे SC को मिला है, ST को मिला है और जनरल कैटेगरी के लोग जो हैं वो कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी तबके को छोड़ा नहीं है, किसी भी तबके को अनछुआ नहीं किया, सबको यहाँ इक्वल जो मिली है नुमाइंदगी मिली है, और ये एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ ये बात है। और उसके साथ साथ जो तीसरा टायर जिसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी का, मैं समझता हूँ अभी वो लगभग पूरा होने जा रहा है, और 100% पोलिंग के साथ साथ मैं आपको ये भी विश्वास दिलाऊंगा 100% BDC में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। हम सांबा की सभी सीटें, प्रमंडल की सभी सीटें और बेगवाल की दोनों सीटें जीतने वाले हैं। इस पोलिंग परसेंट से मैं आपको ये बात जरूर कहूँगा कि हमारे जो पंच सरपंच हैं कहीं ना कहीं उनके मन में एक बात रही है कि BJP ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया है, एक अच्छा फैसला लिया है, और हम सब बाकी सारी दुनिया के साथ साथ हम लोग भी मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज मैं और भी पूछूंगा, जिस तरह से हर सरपंच पंच ये चाह रहे थे कि पंचायतों का सही मायने में सशक्तिकरण होना बड़ा जरूरी है, क्या आपको लगता है कि ये वही वजह निकलकर सामने है कि हर सरपंच पंच आज घर से निकला है और उन्होंने वोट कास्ट किया है और पोल परसेंटेज इतना जबरदस्त सामने आया है? देखिए, हमने पहले भी बात की थी अपनी पंचायतों से, उनको कहा था कि ये पंचायतें जो होगी भारतीय जनता पार्टी के इसमें इस जो गवर्नमेंट में वो पहले जैसी पंचायतें नहीं रहेंगी,
आज मैं समझता हूँ लगभग 4 किस्तों में 14 FC का पैसा आया हुआ पंचायतों में, और हर पंचायत में लगभग 30 से 35 लाख रुपया मिनिमम जो मैं कह रहा हूँ वो आ गया हुआ है, काम स्टार्ट हो गए हैं। ये एक उम्मीद जगी है लोगों में, पंचों से पंचों को मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में पहली बार उनको ये लग रहा है कि हम सशक्त हुए हैं, हम मजबूत हुए हैं और हमारी अपनी डेवलपमेंट जो है वो हमारे हाथ में है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि अगर जो पंचायतें बनी हैं पैसा मिला है तो BDC और DDC के बाद मुझे लगता है और मजबूत होंगी। ये सब ये दर्शाने के लिए कि हम गवर्नमेंट के साथ हैं, हम चाहते हैं कि जो तीसरा टायर है गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी का वो कंप्लीट हो। यानी अब जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदलने वाली है पंचायतों की जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल बदलने वाली है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे जो पंच हमारे सरपंच हैं उनके हाथ में सरकार होगी, उनके हाथ में बागडोर होगी अपनी विकास की, वो रफ्तार भी बढ़ाएंगे और कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक फैसले को कि जम्मू में 370 का जो एक लांछन था, एक कलंक था, उसको मिटाकर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कोई गलती नहीं की है, ये लांछन हट गया है, जम्मू कश्मीर विकास की राह पे दौड़ रहा है और आने वाले समय में आप इससे भी बढ़कर जो विकास है वो देखेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आंकड़े आपके सामने हैं, अगर जिला सांबा के 9 ब्लॉक्स की बात करें तो 893 वोटर थे, जिसमें मेल वोटर्स की बात करें तो 593 थे, उसी के साथ साथ फीमेल वोटर्स की बात करें तो 300 थे और उसमें से 899 वोट जो है वो कास्ट हुए, मात्र सिर्फ 4 वोट जो है वो नहीं पड़े हैं और फुल यहाँ पर जो है वो पोलिंग देखने को मिली है, 99.5% जो है वो पोल परसेंटेज निकलकर सामने आई है जिला सांबा के 9 ब्लॉक्स की। तो यही हम कहना चाहते हैं, जिस तरह से पूर्व मंत्री डॉक्टर डीके मनियाल जी ने भी साफ कर दिया कि धारा 370 को तोड़ने के बाद ये बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हुई और उसका असर भी आज देखने को मिला कि जिस तरह से हर सरपंच पंच आज घरों से निकले हैं और उन्होंने इस डेमोक्रेसी के इस महोत्सव में हिस्सा लिया और अपना वोट कास्ट किया और अब ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के आज चेयरमैन जो है वो चुने जाएंगे। और मैं इस वक्त भी मौजूद हूँ सांबा के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में और यहीं पर थोड़ी देर के बाद 3 बजे जो है वो काउंटिंग शुरू होगी और उसके बाद जो नतीजे हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि अगर इस इलेक्शन की बात करें तो मैदान में भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ पैंथर्स पार्टी और कई इंडिपेंडेंट भी जो थे वो इसमें अपनी किस्मत आजमा रहे थे। अब ये देखना होगा कि कौन किस पार्टी के ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन चुने जाते हैं, ये तो थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक के जो आंकड़े हैं वो एक बेहद ही शानदार आंकड़े, 99.5% यानी 99% से ज्यादा का जो यहां पर मतदान हुआ है इस BDC इलेक्शन में, ये काबिले तारीफ है। और अब आने वाले दिनों में पंचायतों की तस्वीर जो है वो पूरी तरह से बदल जाएगी, एक नई तस्वीर जो है वो सामने आएगी और कई सालों से 70 सालों से सरपंच पंचों ने इंतजार किया था कि कब हमें मौका मिलेगा कि वो खुद वो जो उनको पावर मिलेगी तो वो उस पावर का इस्तेमाल अपने पंचायतों में विकास के लिए करेंगे। तो ये था अभी तक का अपडेट, 3 बजे के बाद फिर से आपके साथ जुड़ेंगे और आपके साथ रिजल्ट साझा करेंगे इस ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनावों का। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि कजूरिया।